वेल गाइज, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे के सारे? हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं भाई। अभी अभी प्रैक्टिस करके उठे थे, 8:30 बज रहे हैं शायद। 8:30 बजे जैसे ही उठे वैसे ही ये आ गया भाई साहब। आजकल लगता है फ्लिपकार्ट की सर्विस अच्छी हो गई है, सुबह सुबह ही डिलीवर करके चले जाते हैं। पर अभी इसको आके खोलता हूँ, अभी थोड़ा फ्रेश होने जा रहा हूँ, हाथ मुँह धोऊंगा, ब्रश व्रश करूँगा और सच बताऊँ तो इसको देख के ज़्यादा एक्साइटेड मत होना क्योंकि ये 3 रुपये का है। यस, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं वापस। हमारी चद्दर की हालत को छोड़ दिया जाए और इसको खोला जाए। हाँ ये कर लो पहले। जी हाँ, यही है वो, वही तो है ये, यही तो है वो। अब देखो भाई, बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि यार ये तो बच्चों का है, बट मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा और मिल भी 3 रुपए का रहा था तो मैंने ले लिया। और भी चीज़ें ली हैं पर वो अभी आई नहीं है क्योंकि शायद से धीरे धीरे करके एक एक करके डिलीवर हो रही हैं आजकल, या हमेशा से ऐसे होती थी पता नहीं। बट जो भी हो भाई, यही है जो भी है। आर यू मैड और व्हाट? तो लाइट भी जलती है। अरे वाह, यार मैं सोच रहा था कि इन दोनों को कहाँ रखूंगा ये चुन्नू मुन्नू से, बट अभी मैंने एक चीज नोटिस की। ये देखो भाई, इसमें छोटा सा कंपार्टमेंट दे रखा है, तो सिंपली इसको हम इसमें डालेंगे और इसको भी हम इसमें डालेंगे और ये इसके अंदर फिट बैठ जाएंगे और ये इसके अंदर फिट बैठ जाएंगे। फिर हम इस कैप को लगा देंगे, फिनिश। हाँ जी, जो जो भी था यही था। अब हम जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे जाके और उसके बाद फिर से एडिटिंग पे लग जाएंगे। फिर पढ़ाई लिखाई भी करनी है म्यूज़िक की, वो करेंगे, उसके बाद ना जाने क्या क्या करेंगे। चलो नाटी 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 नाटी। जी हाँ, हमने अभी फिर से पकड़ा है गिटार और हम कर रहे हैं गिटार प्रैक्टिस। यार अभी सडनली मुझे गाना याद आया जो हम लोग भूल चुके हैं शायद। ऐसे कुछ था ना, तुम लोग बताओ ये कौन सा गाना है, तब तक मैं अपने गाने की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, फिर से हमने नया स्टाइल सीखने की सोच ली है, सोच कर ली है, ठान ही ली है, और वो है हार्ट बीट स्टाइल, क्योंकि हमने इतने टाइम से नहीं सीखा और अब हमें इंटरेस्ट आ रहा है। प्रैक्टिस ऐसे ही करनी पड़ेगी इस गाने के लिए। समझ जाओ, वही फर्स्ट पार्ट ऐसे बजाना है मुझे। अब इसको मुझे कम से कम
घंटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा होगा ये। चलो भाई मेहनत पे लगते हैं। One eternity later. देखो भाई इतना तुमने सीख लिया है कि अब बस अब तुम्हें लगेगा कि अरे वाह, बट नहीं अभी नहीं वाह, आज पूरे दिन यही चलेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। ठीक है तो चलो भाई अब मिलते हैं बाद में प्रैक्टिस करके, अब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जय हिंद। 2 hours later. हाँ जी, तो अब इतने घंटों के बाद, मतलब ज़्यादा घंटे नहीं, मुश्किल से 1 घंटा या 45 मिनट के बाद हम वापस आ गए हैं। और हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने सीखा है मतलब ऐसा ही कुछ सीखा है। और अब सच बताऊँ, हम इतनी देर में इसी को सीखेंगे। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग सवाल उठाएंगे कि मैं जो ऐसे बजाता हूँ ये सब जो मैं बजाता हूँ है ना, तो मैं धीरे धीरे करके इसी में क्यों नहीं प्रैक्टिस करता हर चीज की? जैसे ऐसा कुछ तो बहुतों के माइंड में आएगा कि भाई तो सीधा धीरे धीरे ऐसी करके प्रोग्रेस करना स्टार्ट करना तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं, यही तो तुम्हारी गलती है। अगर ससुर हमने इसको क्रैक कर लिया ना जल्दी से अपने हाथों में, मतलब जल्दी चलाना सीख लिया, मतलब ऐसा जल्दी से चलाना सीख लिया ना हार्ट बीट स्टाइल में, तो यहाँ का जो है ये ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा। जो हम फिंगर प्रैक्टिस करते हैं ना, वो सिर्फ हाथों को गर्म करने के लिए नहीं होता है, वो इसलिए होता है ताकि हमारे किसी भी फ्रेट पे अच्छे से हाथ चले। ऐसा ही कुछ, समझे? तो ये फिंगर प्रैक्टिस हम इसलिए ही करते हैं, ऐसी फिंगर प्रैक्टिस, ऐसी ऐसी और कैसी भी, ऐसी 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 जैसी भी, ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे हाथ गिटार पे अच्छे चले, ना कि इसलिए कि हमारे उस पर्टिकुलर चीज़ पे हाथ अच्छे चलें। तो इसलिए अगर मैंने यहाँ का क्रैक कर लिया हार्ट बीट स्टाइल, तो जो यहाँ का पोर्शन है वो खुद ही कवर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और बहुत लोग बोलते ना कि भाई जल्दी कैसे सीखे, जल्दी कैसे सीखे। जल्दी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि धीरे सीखें, मतलब बिल्कुल स्लो। हर चीज़ का एग्जाम्पल देना पड़ता है मुझे, प्लीज़ इग्नोर माई बैकग्राउंड इन हेयर ऑल्सो। स्लो मतलब उसके बाद ही जब तुम धीरे धीरे करके बजाना शुरू करोगे ना, धीरे फिर थोड़ा सा तेज, फिर थोड़ा सा तेज, फिर थोड़ा सा तेज, जब जाके तुम्हारा कुछ तेज आएगा, मेरा भी आएगा एक दिन, टेंशन मत लो, हम प्रैक्टिस कर रहा है, आएगा हमारा। बाकी चलो यार, अब है हमारा राइटिंग टाइम, अब राइटिंग करते हैं और गिटार को साइड में रखते हैं। आजकल ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, आई नो, पर क्या करें भाई, आजकल हम फिर से म्यूज़िक में घुस गए हैं, इसलिए सोचते हैं कि म्यूज़िकल ब्लॉगर होने के नाते ये सब बताना ज़रूरी है। तो जितने ही मेरे म्यूज़िक वाले दोस्त हैं, आई विश कि मेरी ये बातें तुम्हें अच्छे से सपोर्ट करें आगे जाके। अभी तुम्हें लगेगा कि क्या बोल रहा है, बट तुम इन्हें फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी, मेरी क्या किसी की भी। चलो यार अब काम धंधे पे लगना है। A few moments later. हाँ जी, तो भाई हमारा खाना पीना हो गया, डन 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 डन। और हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी हम गाने सुन के आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है हमारा रूटीन है, खाना खाने के बाद हम गाना सुनते हैं, पहले खाना फिर गाना। बट जो भी यार, आज मैंने पहली बार ज़िंदगी में एक चीज़ नोटिस की, और वो चीज़ ये है कि जो गाना है क्लोज़र चेन स्मोकर और हॉल से का जो चेन स्मोकर का गाना है भाई साहब, उसमें जो उसकी जो ड्रॉप बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, जो उसका लीड पार्ट है ना, टिंग टिंग ट्रिंग टिंग टिंग ट्रिंग टिंग 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 टिंग, यार मैं सच बताऊँ, या तो हमें ज़्यादा नॉलेज हो गई है और हम बड़े हो गए हैं इन चीज़ों के साथ, ग्रो हुआ हूँ मैं तो म्यूज़िक के साथ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है यार, मेरे को आज ये चीज़ रियलाइज़ हुई, किसी को बुरा ना लगे, पर मुझे आज ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई वो कितना
सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, बट कितना फुद्दू साउंड कर रहा है लिटरली। गाना पूरा अच्छा है, गाने की कॉर्ड्स भी अच्छी है, गाने के जो मेजर पार्ट हैं पीछे जो बैकग्राउंड में कॉर्ड्स और रिफ्स बज रही हैं वो सब ऑसम है, बट वो जो अकेले बजता है ना बाद में टिंग 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 टिंग, वो बहुत खाली खाली सा लग रहा है और बहुत अजीब साउंड कर रहा है। पहले नहीं करता था बट अब कर रहा है, शायद से नॉलेज ज़्यादा गेन हो गई है और कुछ नहीं। नॉलेज ज़्यादा होती है तो फिर चीज़ें अजीब लगने लग जाती है, और म्यूज़िक में तो होता ही यही है। अगर तुम आज कोई चीज़ अच्छी तुम्हें अच्छी लग रही है तो 2 साल बाद तुम और सीख जाओगे तब तुम्हें वही चीज़ बेकार लगेगी, फिर तुम 4 साल बाद और सीखोगे तो तुम्हें पिछले 4 साल वाली चीज़ें बेकार लगने लगेगी कि यार ये मैं गलत गा रहा था या ये मैं गलत कर रहा था। बट जो भी हो यार, चेन स्मोकर अच्छे हैं, उनका बैंड भी अच्छा है, उनका ग्रुप भी अच्छा है। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी 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 सॉरी, मतलब वो दोनों म्यूज़िक कंपोज़र अच्छे हैं भाई। अभी मैं टर्म्स में नहीं घुसता हूँ, पर अब मैं जा रहा हूँ सोने। अगर मेरी इस बात का किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, पर अब कल मिलेंगे आपसे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अब निन्नू आ रही है।